हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममाज गली के, और मैं हूँ याना। आज हम बात करने वाले हैं मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में, जो लड़कियों को भी बहुत पसंद होता है, शॉपिंग वीडियो। इट्स अ हॉल वीडियो, और जिस पे मैंने बहुत सारी जगह से शॉपिंग की है, एक दो जगह से नहीं। जैसे कि हो गया लैक्मे का है ये वेडिंग कलेक्शन में जो था, फिर उसके बाद में कुछ अमेजोन से, कुछ लोकल शॉप से, कुछ यहाँ वहाँ ऐसे करके, मतलब बहुत सारी मिक्स चीज़ें आपको इसमें मिलेगी। मीशो से भी किया हुआ है। सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है कहाँ कहाँ से लिया है, पर बताते हैं क्या क्या चीज़ें ली है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाला मैंने अमेजोन से लिया है। ये आकर स्मार्ट पीलिंग वाइट पर्ल वाला जो ये है ना, क्या बोलते हैं, पीलिंग टाइप का, मतलब एक्सफोलिएटर है ये, सॉरी। फिर ये भी है स्मार्ट पीलिंग हनी ब्लैक शुगर स्क्रब एक्सफोलिएट मिल्क। हाँ, ये वाला बहुत सही है, मैंने सुन रखा है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा यूज़ करूँ, उसके बाद में एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ। फिर उसके बाद में है ये मूंग बीन और मूंग बीन का फेस वॉश, ठीक है। ये भी फेस शॉप का है, ये तीनों चीज़ें ही फेस शॉप की है, और ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। उसके बाद में मैंने मीशो से लिया है, ये है मार्स का लिप पैलेट, और देख लीजिए ये लिप पैलेट, मैंने इसका दो लिया है, दोनों ही ले लिया। ये 02 है और ये 01 है, ठीक है। अब देख लीजिए, इसमें येलो कलर ब्लू कलर है, इसमें थोड़े से न्यूट्रल कलर्स है, तो ये दोनों मैंने लिए हैं। देन मैंने मार्स का ही आई शेडो पैलेट लिया है ये, और ये ना आई शेडो पैलेट उनका 3 है, पीछे में मेंशन किया हुआ है नंबर, जिस उसमें 1, 2, इसमें 3 वो है। फिर मेरे पास में है ममा अर्थ का, ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने पैसे से ली है, यहाँ वहाँ से मुझे कोई स्पॉन्सर या कहीं से PR कुछ भी नहीं मिला है, मुझे कभी नहीं मिला है अब तक तो। ये है मेरे पास में ममा अर्थ का रोज़ बॉडी लोशन विथ रोज़ वाटर एंड मिल्क, और ये अराउंड, इसकी डिटेल वीडियो बाद में बता देंगे, अभी फ़िलहाल दिखा देते। ये मैंने यहाँ के एक लोकल शॉप से परचेज़ किया था, जाकर डेट देखकर, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ना कि मुझे देखकर लेना पसंद है डेट के साथ वैसे में। फिर मेरे पास में है ममा अर्थ का नैपकिन फेस टोनर है ये, नायासिनमाइड विथ हेज़लनट, विच हेज़ल का B3 वाला फॉर ओपन पोर्स, मतलब थोड़ा नया टोनर यूज़ करना था यार, मतलब थोड़ा बस बहाना चाहिए, अरे ये सीधे ही बोल देते हैं, मुझे बस कुछ नया यूज़ करना था, इसलिए सोचा ममा अर्थ की सीरीज़ पे बस चिपक जाऊँ करके, ठीक है। फिर उसके बाद में है मेरे पास में ये ममा अर्थ का रेटिनॉल वाला नाइट क्रीम, ठीक है। ये भी मैंने लोकल शॉप से ही परचेज़ किया है, वो जो मैंने टोनर भी लिया था वो भी लोकल शॉप से परचेज़ किया है। ये ना मैंने क्यों लिया वो भी बताते हैं, मुझे ना इसका ये वाला जो है ना कंटेनर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा रेटिनॉल तो यूज़ करनी है, तो अच्छा सा कंटेनर देख कर कोई सही सा ले लेते हैं। फिर मुझे लगा ममा अर्थ का ले ले तो और भी सही है, इसीलिए ले लिया ममा अर्थ का। अब इसका बस एक फेस वॉश लेना बचा है, उसके बाद ही इसकी सीरीज स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हो गया है टोनर, नाइट क्रीम, सब कुछ हो गया है, तो इसलिए, ठीक है। और ये भी मैंने लोकल शॉप से ही परचेज़ किया है। देन मेरे पास में है इसका 2 टुक, ये मैंने ट्रायल के लिए लिया था, हाँ, राइस वाटर कंडीशनर, राइस वाटर शैम्पू, ठीक है, ये दोनों मैंने लिया था। उसके बाद एक चीज़ आपको दिखाते हैं, मतलब ममा अर्थ का ही है ये। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों, छोटा वाला तो ज़्यादा दिन तो काम नहीं आएगा, जबकि इतने लंबे घने जूस तो है नहीं मेरे, पर फिर भी मैंने ले लिया 2 बड़ा वाला, सब लोकल शॉप, खुद के पैसा की परचेज, मतलब पैसा ज़्यादा हो गया नहीं, कुछ तो लेना था इसलिए ले लिया। फिर मैंने लिया है लॉरियल का 2 चीज़, जिसमें है उनका हाइलुरोनिक एसिड और उनका ये क्या था, टोनर टाइप है, राइट, यार उसमें तो मेंशन नहीं है, खुद ही भूल गए, वो जी टोनर ही है, सैलिसिलिक एसिड वाला, वो टोनर जैसा बॉटल आता है ना, ये वो दोनों है। फिर उसके बाद में है मेरे पास में ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, बड़ा वाला टब लिया है, टब क्योंकि मुझे कुछ कुछ चीज़ कंटेनर, मुझे वैसे भी मुझे इसका प्रोडक्ट यूज़ करना था, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यू देखे थे, तो मैंने सोचा लेते हैं। और इसमें है हाइलुरोनिक एसिड प्लस विटामिन ई, जो बहुत सही है। फिर उसके बाद में ये वाला मेरे हस्बैंड लेकर आए थे चेन्नई से, कभी कभी औरत की याद आ जाती है,
वाइफ को भी प्यार करना चाहिए। तो इसका जो मैंने छोटे से ही देखा है, मेरी मामी जो है, छोटी वाली मामी, इसका पाउडर यूज़ करती है। हाँ, मैंने कई बार देखा है, जब भी उनके घर में गए थे ये वाला पाउडर उनके पास में रहता था। एक दो बार ही देखा है, कई बार नहीं। किसी के वहाँ अंदर जाके पीकअप करने की आदत नहीं है मुझे तो। और अच्छा, मैंने कुछ बोला नहीं, खुद ही अपनी मर्जी से ला दिया कि है ना, वाइफ वहाँ पे है, कुछ पूछेगी करके उठा कर ला दिया शायद। फिर मैंने लिया है लैक्मे का विटामिन सी प्लस डे क्रीम, सनस्क्रीन है ये और कुछ नहीं। मतलब थोड़े अच्छे खासे 349 रुपीज़ के साथ में, और आपको मिलती है 50 ग्राम की, ठीक है, लोकल शॉप 25। फिर मेरे पास में, हाँ ये अभी थोड़ी देर पहले विटामिन सी की बात किए थे, जो ये है मेरे पास में अरोमा मैजिक का वाइट टी एंड कैमोमाइल फेस वॉश, हमेशा बोलते हैं, और लैवेंडर फेस वॉश। मतलब लैवेंडर फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं, उसके बाद में रिव्यू शेयर करेंगे। पैकेजिंग सब संभाल के रखने की, पहले ही देख लो यार, इसके ऊपर ना सब एक प्लास्टिक पैकेजिंग रहती है, मतलब बहुत सही से सील्ड होकर आती वाली चीज़ें हैं। और ये वाली भी मेरी ही थी, कहाँ से कौन मुझे देगा यार। हाँ, लैवेंडर का फिर और एक भी है मेरे पास में, लैवेंडर का मैंने दो ले लिया, कि मुझे वो होता है ना, अच्छा लग जाए तो फिर दूसरा लेने जाने टाइम नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने ले लिया था। ये दो हो गई, और ये वाली भी सब सील्ड है, देखिए सबके अंदर से एक आवाज़ आ रही है, तो सब सील्ड है, ठीक है। यूज़ करेंगे तो शेयर करेंगे। मतलब आप वो वाइट टी एंड कैमोमाइल वाली मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। देन मेरा फेवरेट फेस वॉश ये, मतलब अच्छा है, सब जगह से घूम के वापस आप अपने फेस वॉश में आ, ये वैसे है, ठीक है। फिर इसके बाद में है मेरे पास में हिमालय का दो फेस वॉश, ये वाला है लेमन फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन, और डीप क्लेंजिंग एप्रिकॉट फेस वॉश, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे, रिव्यू शेयर करेंगे। ऐसे भी हिमालय का सीरीज चल ही रहा था मेरे उसमें, तो इसीलिए मैंने लिया। पहले इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा मुझे पता, और ये वाला वीडियो शायद बाद में ही अपलोड होगा, क्योंकि हिमालय का सीरीज़ ख़त्म करने के बाद में ये वाला वीडियो जाकर फिर दूसरा सब स्टार्ट करेंगे। देन मेरे पास में है एवर यूथ का प्योर एंड लाइट टैन रिमूवल पैक, जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये समर तक मेरे वहाँ पे बैठे रहेगा। 99 रुपीज़ की लोकल परचेज, मोस्टली चीज़ें लोकल परचेज ही है, अमेजोन से दो तीन चीज़ें ही बस मैंने ली थी। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था। इसको लेकर लड़ाइयाँ भी हुई है मुझे, मतलब वैसे चाहिए था ऐसे था। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोले थोड़े दिन रुक जाओ, तो छोटा सा ही है यार, कितना होगा, 129 रुपीज़ एक का। लेकिन हाँ ठीक है, अब मैं चुप हूँ बहुत टाइम तक, मतलब 2-3 साल चुप हो जाएंगे अब। वैसे इसका रिव्यू बहुत जल्दी शेयर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने, वो भी लोकल परचेज ही है, फिर उसके बाद में मैंने लिया है कुछ हेयर बैंड्स लोकल शॉप से ही, 10 रुपीज़ की आती है ये, और ऐसे ही आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगी। अमेज़ॉन से मैंने ली नहीं है, मीशो में मिल जाएगी, मीशो की है ये वाली। मतलब ना ये टूटता नहीं है जल्दी, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में है मेरे पास में, हाँ वैसे ये वाला वॉच भी मैंने अभी रिसेंटली लिया है, टाइटन का रोज गोल्ड वाला वॉच है ये, तो उसका बैग है। फिर हाँ चलो, अब मिल गया मेरा ब्लैक वाला है, मैंने इतने दिन से ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद में है मेरे पास में, अभी दिखा देते हैं, सब यहाँ वहाँ से गिर रहा। ये तीन मैंने काजल लिया है, काजल नहीं है, कलर आई पेंसिल, और तीन मेरे पास में, जिसमें से एक तो कहाँ गिर गई, हाँ ये है मेरे पास में, यहाँ देख लेते हैं, मुझे इतना छोटा छोटा दिखाई तो देना नहीं है। 9 to 5 का वेटलेस मैट मूस लिप एंड चीक कलर, तीन कलर मैंने लिया है, पहले से एक कलर है, तो सबका रिव्यू अभी लैकमे का प्रोडक्ट जैसे ही लाएंगे सबका रिव्यू अच्छे से करके शेयर करेंगे, ताकि डिटेल रिव्यू आपको मिल जाए। प्लस इन सब चीज़ों के साथ में ना मुझे ये एक चीज़ फ्री मिली थी, ये चेन्नई से लिया हुआ है, और इतना ही चीज़ें हैं। तो होपफुल आपको वीडियो पसंद आया हो। अब इसकी कौन सी वीडियो आपको देखनी है मुझे पहले बता दे, ताकि मुझे 1 मंथ लग जाएगा एक प्रोडक्ट को यूज़ करके फिर उसको शेयर करने में। अभी फ़िलहाल हिमालय का प्रोडक्ट ही चल रहा है, अभी भी साइड में रख के बैठे हुए हैं, ये सारा मोस्टली हिमालय का प्रोडक्ट ही है इसके अंदर।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, कुछ भी डाउट होगा तो पूछिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम में पूछिएगा, फालतू क्वेश्चन मत पूछिएगा यार, कहीं कुछ कुछ तो इतने इरिटेटिंग, मतलब बहुत ज़रूरी बात करनी ऐसे बोल के ना, फालतू फालतू की बात बोलते हैं लड़के, वो अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि ना हस्बैंड भी देखेंगे या फिर बॉयफ्रेंड किसी के देख ले तो वो बोलेगा तुम यही कर रही हो क्या, तो ऐसे नहीं होता, लेकिन समझा करो यार, क्यों किसी की बहन बीवी या किसी की गर्लफ्रेंड को तुम तंग करो, तुम अपने वाले को संभालो यार। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, भाई ख्याल रखिएगा, खुश रहेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाय।